लखनऊ के इटौंजा में गद्दीपुरवा गांव के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ राज्य आपदा मोचन बल के गोताखोरों ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को तालाब से बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ ने तालाब से लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा, जहां 2 बालिकाओं समेत 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वही अन्य का सीएससी में इलाज चल रहा है। मरने वाले लोग इटौंजा इलाके में टिकौली गांव के रहने वाले थे, सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर सभी लोग उनाई गांव स्थित एक प्राचीन मंदिर में पूजन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवार जन को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। हादसे के बाद मौके पर आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवाल और बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गए। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर हादसे में शिकार लोगों को तालाब से बाहर निकाला। ट्रॉली सवार सभी लोग सीतापुर के अट्रिया से इटौंजा स्थित उन्नई देवी दुर्गा मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक मुंडन का कार्यक्रम था। अट्रिया के टिकौली निवासी चुनीलाल मौर्या मन्नत पूरी होने के बाद परिवार व रिश्तेदारों के साथ नवरात्रि के पहले दिन इटौंजा के खोरावा स्थित उन्नई देवी दुर्गा मंदिर पहुंच भरने ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे थे।